इस मंच से मैं शरद पवार जी को और उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, इंडी एलायंस का आप नेतृत्व कर रहे हो, 2004 से 14 सोनिया मनमोहन की सरकार थी, महाराष्ट्र को क्या दिया? 1,91,000 करोड़ रुपया। कितना? 1,91,000 करोड़। जरा जोर से बोलो कितना। मोदी जी ने 14 से 23 9 साल में 1,91,000 करोड़ की जगह उससे 4 गुना 7,15,890 करोड़ रुपया देने का काम। इसके साथ साथ 8,00,000 करोड़ के और प्रोजेक्ट दिए, 10 साल में 16,00,000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी ने भेजे। शरद राव, जरा हिम्मत हो तो हिसाब किताब लेकर आ जाना, हमारा युवा मोर्चे का कार्यकर्ता शिवाजी महाराज के पुतले पर सार्वजनिक चर्चा के लिए तैयार है। आपने क्या किया है महाराष्ट्र के लिए? और भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, लगभग 1,20,00,000 लोगों को आजादी के 75 साल के बाद महाराष्ट्र में पीने का पानी घर में मिला, 1,00,00,000 लाभार्थियों को 5,00,000 तक का आयुष्मान भारत का फायदा मिला, लगभग 76,00,000 माताओं को घर में पहली बार शौचालय मिला, 7,00,00,000 लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, 51,00,000 लाभार्थियों को माताओं को घर में गैस और चूल्हा देने का काम नरेंद्र भाई ने किया, 12,00,000 लाभार्थियों को महाराष्ट्र में घर दिया। और मुझे बताओ संभाजी नगर वालों, आप लोगों के दोनों टीके लग गए कोरोना के या नहीं लगे हैं? लग गए वो जरा हाथ ऊपर करो दो, सबके लग गए? किसी को 25 पैसा भी देना पड़ा है? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर टीका लगाया और व्हाट्सएप पर मोदी जी के हंसते हुए फोटो के साथ सर्टिफिकेट देने का काम भी कर दिया। और देश में 200 करोड़ टीका लगाकर 130 करोड़ की आबादी को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आज फिर से इंडी एलायंस वालों को चैलेंज देकर जाता हूं कि आप आगे आइए, आपके भी 10 साल थे, हमारे भी 10 साल थे, हिसाब किताब करिए। अरे आप कर ही नहीं सकते हो, अरे ज्यादा करना है तो आपके 40 साल और हमारे 10 साल का हिसाब करिए, हमारे 10 साल का पलड़ा भारी है भाई मोदी जी।